नमस्कार। सेक्स समस्या लेकर मेरे पास में काफी लोग आते हैं। समस्या एक ही है, लक्षण अनेक होते हैं। तो लोग जो आते हैं वो कैसी कैसी समस्याएं लेके आते हैं या क्या क्या लक्षण लेके मेरे पास में आते हैं, तो मैं आपको कुछ सुनाता हूँ, पढ़ाता हूँ, तो ये आपको समझ में आएगा कि अलग अलग प्रेजेंटेशन क्या होते हैं लोगों की सेक्स समस्याओं की। तो ये जो है 30 साल का लड़का, मैं नाम नहीं लूँगा, 31 साल का लड़का है और इसको ये आया, सेक्सुअल प्रॉब्लम है। सेक्स करने के समय लिंग में कठोरता नहीं आती है, वो कठोरता आई तो सेक्स करने के समय 1 मिनट के अंदर ही शीघ्र पतन हो जाता है। और एक बार शीघ्र पतन हुआ कि बाद में सेकंड टाइम सेक्स नहीं कर सकता, क्योंकि सेकंड टाइम सेक्स करने के समय लिंग में कठोरता आती नहीं है। फिर वाइफ खुश नहीं रहती, वाइफ बोलती है कि भाई मुझे तो कुछ मज़ा आया नहीं है, आप और करो, और ये कर नहीं सकता, तो एक प्रॉब्लम है। फिर दूसरा प्रॉब्लम है, ये 34 साल का लड़का है, शीघ्र पतन की समस्या है करके मेरे पास में आया। टाइटनेस कम है और सेक्स करने के बाद में बहुत लूज हो जाता है, और फिर 5-6 दिन तक उसमें कुछ इरेक्शन आता ही नहीं, एकदम लूज हो जाता है। ऐसा लगता है कि एकदम ढीला हो गया, छोटा हो गया और कुछ काम का नहीं रहा। और सेक्स करने के समय बहुत ही डर लगता है कि सेक्स करते करते ही लूज ना हो जाए। फिर ये तीसरा है, 27 साल का लड़का, इसको ये पॉर्न एडिक्शन, पॉर्न मूवी जो है ना उसका एडिक्शन है। नाइटफॉल जो है वो 10 दिन में एक बार होता है। सेक्स करने के समय शीघ्र पतन होता है। हस्तमैथुन की आदत है, हस्तमैथुन हफ्ते में एक बार करता है और बाकी दिन बार बार सेक्सुअल थॉट्स आते रहते हैं। ओवर थिंकिंग है, चिंता रहती है, टेंशन रहता है, स्ट्रेस रहता है और ऐसा लगता है कि डिप्रेशन आया हुआ है। फिर यह 26 साल का लड़का, इन्होंने लिखा है कि सेक्स करने की बिल्कुल इच्छा होती नहीं है। वो रिलेशनशिप में है मगर सेक्स में इंटरेस्ट नहीं है, और बहुत गैप देने के बावजूद भी रिलेशनशिप में उसकी पार्टनर डिमांड करती है सेक्स की, और बहुत दिन की गैप देने के बावजूद भी कोई इच्छा उसकी सेक्स में होती नहीं है। सेक्सुअल डिजायर कम है और इरेक्शन भी जैसा चाहिए वैसा आता नहीं है, तो सेक्स की इच्छा नहीं होना ये मेन प्रॉब्लम है। यह है 48 साल के व्यक्ति, इनका ऐसा है कि सेक्स करने के समय उनको पत्नी के तरफ, मतलब उनको पत्नी के साथ में सेक्स करने के समय उनको अलग अलग इमेजिन करना पड़ता है, अलग अलग लेडी के साथ में सेक्स कर रहा ऐसा इमेजिन करना पड़ता है, और फिर तभी उनको इरेक्शन आता है और इरेक्शन मेंटेन रहता है, और नहीं तो फिर इरेक्शन आता ही नहीं, उनको इच्छा भी नहीं होती। और उन्होंने ये कहा है कि महिलाओं के साथ में बोलने के समय कम्फर्ट नहीं रहता है, और अभी अभी कुछ महीनों से, 2-3 महीनों से पुरुषों के साथ में भी बात करते समय कम्फर्ट नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि उनकी नज़र पुरुष या स्त्री के प्राइवेट पार्ट की तरफ बार बार जाती है और फिर उनको बहुत ही अकवर्ड लग जाता है। उनको मैंने दवाई दिया था, इन्होंने डबल से इनका कंसल्टेशन किया है और दवाई से उनको काफ़ी आराम पड़ा था, क्योंकि OCD में जाता है ये। फिर दूसरा एक है कि उनका ऐसा प्रॉब्लम है, ये 30 साल का लड़का है, अभी अभी अमेरिका में है, वापस आने का है 3 महीने में, मगर वहाँ एक रिलेशनशिप में फंसा हुआ है। रिलेशनशिप ऐसा उसको लगता है कि भाई वो गोरी चमड़ी देख के वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया, वहाँ की लड़की उसके साथ में बहुत प्यार करती है, ये भी प्यार करता है और वो सेक्स की डिमांड करती है बार बार, तो ये सेक्स की डिमांड पूरी भी करता है, उसको अच्छा लगता है, मगर अभी उसको वापस आना है इंडिया 3 महीने में, और उसको ये चिंता है कि अभी 3 महीने में वापस जब आएगा तो ये लड़की बार बार दिमाग में जो आती है उसको भूल सकेगा कि नहीं सकेगा। उसको शादी करनी नहीं है, वो लड़की को भी शादी करनी नहीं है, मतलब दोनों भी क्लियर है, उसको वापस आना ये भी क्लियर है, मुझे लगता है कि मैं उसको छोड़ नहीं पाऊंगा, मैं उसके बिना रह नहीं पाऊंगा, बस वो तो अपने जीवन का हिस्सा बन चुकी है, उसको वहाँ भी सेटल नहीं होने का है और बार बार सेक्स करने के विचार आते रहते, इसलिए कंसल्टेशन किया हुआ है। फिर कहेंगे अलग अलग प्रकार बता रहा हूँ मैं, हमारे पास में जो है वो काउंसिलिंग सेशन लेते हैं, हम साइकोथेरेपी सेशन लेते हैं, उनको कोई टॉनिक्स देते हैं, सेक्स टॉनिक देते हैं, कोई दवाई देते हैं। फिर ये 34 साल का लड़का है, लिखा है कि तनाव नहीं आता है और इरेक्शन होगा या नहीं होगा ऐसा डर लगता है, इसलिए वो लड़की को अप्रोच ही नहीं करता। एंग्जाइटी की समस्या है और उसकी दवाई चालू है,
सेक्स में कॉन्फिडेंस की कमी है, सेक्स हो जाता है मगर उसको हरदम डर लगता है जब वो अप्रोच करता है अपने पत्नी की तरफ कि मेरा होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, पत्नी क्या बोलेंगी, बस ये रहता है बार बार। और फिर ऐसे विचार आ गया कि धड़कन चालू हो जाती है, घबराहट चालू हो जाती है, और उसको ये खुद ही बोलता है कि मुझे परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है। फिर ये 21 साल का लड़का है, शादी होने की बाकी है, लिंग में कठोरता नहीं आती, शीघ्रपतन होती है, और लिंग की साइज छोटी है, मतलब लंबाई छोटी है ऐसा उसको लगता है। ये मेन प्रॉब्लम है कि सेक्स की लंबाई कम है, उसको लंबाई बढ़ाने का, और मोटाई जो है, मोटापा सेक्स का मतलब लिंग का, वो भी उसको बढ़ाने का उसके लिए आया हुआ है। और गर्लफ्रेंड के साथ में जब वो सेक्स करता है तब कठोरता नहीं आती और शीघ्रपतन होता है। फिर यह है 30 साल के लड़के, और इनका मेन प्रॉब्लम यह है कि उनको होमोसेक्सुअलिटी है और उनको वो उसमें नहीं रहने का है, और वो बोलते हैं कि मुझे वो भी होमोसेक्सुअल रहना नहीं है। उनका एक दो बार ही कभी सेक्स कॉन्टैक्ट आ गया था लड़कों के साथ में, वो भी पैसिव पार्टनर थे, और उनको अभी घर से भी प्रेशर हो रहा है कि शादी करो शादी करो लड़की के साथ में, और इनको खुद को भी लगता है कि नहीं अभी मैं लड़की के साथ में शादी करना है। लोगों को ये बात मालूम नहीं है, घर के लोगों को मालूम नहीं है, उसके पीछे पड़े हुए हैं, और उसको लगता है कि नहीं अभी मैंने ये सेक्सुअल अट्रैक्शन जो है वो लड़की की तरफ होना चाहिए, क्योंकि लड़की की तरफ उसका अट्रैक्शन है नहीं। और फिर वो यदि डेवलप नहीं हुआ तो शादी के बाद में क्या करूँ, तो इसलिए फिर वो नर्वस होता है, डिप्रेस होता है, एंग्शियस होता है, और उनको समझ में नहीं आता कि अभी मैंने क्या करना चाहिए। फिर यह 30 साल का लड़का, तो इसमें सेक्स करने की इच्छा बिल्कुल ही कम है, लिंग में टाइटनेस नहीं आता, और फ़ोन पर जब बात करता है, मोबाइल से बात करता है वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ में, तो चिपचिपा पानी आता है, और सेक्स वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ में करता है तो उसको उस समय सिल्डेनाफिल टैबलेट लेनी पड़ती है, हफ्ते में एक बार सेक्स हो जाता है, और टाइटनेस नहीं है और जल्दी गिर जाता है, इसके लिए उसको दवाई चाहिए। फिर यह है 18 साल का लड़का, इसमें 5 महीने पहले सेक्स किया था, उसके बाद में उसको लगता है कि स्पॉन्टेनियस इरेक्शन जो आता है, ऑटोमेटिकली इरेक्शन जो आता है वो कम है, उसको नाइटफॉल होता है, और बहुत ज़्यादा नाइटफॉल होता है, उसको लगता है कि करीब करीब रोज ही नाइटफॉल होता है, और नाइटफॉल से उसको लगता है कि अपनी कमजोरी आई हुई है, बदन में कमजोरी है, हाथ पैर दर्द करते हैं, कोई ताकत नहीं है, नींद बराबर नहीं आती, खाना खाने की इच्छा होती नहीं है, और अपन बहुत ही वीक हो रहे हैं ऐसा उसको लगता है। और पिछले 6 महीने में उसने करीब करीब 15 किलो वजन उसका कम हो चुका है, उसको लगता है कि लिंग अपना ढीला पड़ गया है, और सेक्स करने के टाइम जब भी कभी मौका आया था तो भी उसने शीघ्रपतन कर दिया था। तो ये 52 साल के व्यक्ति, और इन्होंने बताया कि 2-3 साल से उनको तकलीफ हो रही है, लिंग में कठोरता नहीं है, टाइटनेस नहीं आ रहा है, 2-3 महीने में एक बार सेक्स करते हैं मगर सेक्स करने के समय 1-2 मिनट में ही शीघ्रपतन हो जाता है, फिर औरत चिल्लाती है कि तुम करते भी नहीं है, और जब करते तब ऐसा जल्दी निकल जाता है। 20-22 साल से एसिडिटी का तकलीफ है, और 20-22 साल से एसिडिटी के लिए दवाई ले रहे हैं, बैक पेन भी होता है, पीठ में दर्द, कमर में दर्द, डिप्रेशन और एंग्जाइटी की भी तकलीफ है, और उसके लिए दवाई चालू है। डिप्रेशन का 25 साल से इलाज चालू बोलते हो, और डिप्रेशन के लिए दवाई लेने के बावजूद पूरा ठीक नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये सब दवाई है, और उन्होंने काफ़ी दवाई ले चुके मगर मेन प्रॉब्लम कुछ ठीक हुआ नहीं है। फिर यह 61 साल के, देखिए बड़ी उम्र वाले भी आते रहते हैं, शीघ्रपतन है, 1 मिनट के अंदर ही निकल जाता है, और उनको लगता है कि अपना लिंग छोटा हो गया, डायबिटीज़ भी है, कंट्रोल में है, हार्ट का भी तकलीफ है दिल की, और वो भी एंजियोप्लास्टी की हुई है, वो भी कंट्रोल में है। आपने देखा होगा मेन जो प्रॉब्लम लोगों को है वो है कि एक तो कमजोरी आती है, हस्तमैथुन का उनको लगता है कि भाई हस्तमैथुन से कमजोरी आई हुई है, वीर्यपात हो गया इसलिए कमजोरी आई है, या सपने में नाइटफॉल हुआ इसलिए कमजोरी आई है, ऐसा वो कारण बताते हैं। और प्रॉब्लम क्या, लक्षण क्या है, तो उनको लक्षण ये है कि कठोरता नहीं आती या शीघ्रपतन हो जाता है। 30 साल के अंदर जो लोग आते हैं और उनका देखा गया है कि करीब करीब 60-70% लोगों में जो प्रॉब्लम है वो है इरेक्शन का प्रॉब्लम, कठोरता नहीं आती, और 80-85% जो हमारे पास में आते हैं उसमें के 80% लोगों को प्री मैच इजैकुलेशन अर्थात शीघ्रपतन का प्रॉब्लम है।
अभी दोनों के लिए भी दवाइयां हैं, दोनों के लिए भी दवाइयां हैं, और दवाइयां लेते हैं तो फायदा होता है, क्योंकि वो दवाइयां लेने के बाद में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी ठीक हो जाता है। उनको लगता है कि नहीं, अपन ने दवाई लिया अभी ठीक हो जाएगा, तो मतलब उनको जो परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है वो सब ठीक हो जाती है। यदि कोई शारीरिक प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाता है, मगर दवाई के ऊपर कितने दिन डिपेंड रहेंगे, इसलिए फिर हम काउंसिलिंग करते हैं, साइकोसेक्सुअल काउंसिलिंग है ना, सेक्स थेरेपी, और उसमें उनको समझाते हैं सेक्स कैसा करना, क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि इंटरेस्टेड एंड इंटरेस्टिंग पार्टनर इज द बेस्ट सेक्स टॉनिक। रुचकर और रुचिदार और रुचि लेने वाली पार्टनर जो है वो सबसे बेस्ट सेक्स टॉनिक है। तो दोनों इंटरेस्ट लेते हैं, दोनों हम मस्ती करते हैं, दोनों हंसी मजाक खेलते हैं, अच्छे संबंध है, तो बिना दवाई का सेक्स अच्छा हो जाएगा। डर है बहुत, घबराहट है, बेचैनी है, लगता है कि मैं कर नहीं सकूंगा, तो ऐसे समय फिर कितनी भी दवाई दिया तो कुछ काम की होती नहीं, क्योंकि उनको डर ही इतना है, धड़कन इतनी बढ़ जाती है कि वो काम ही नहीं कर सकते। तो हम सभी करते हैं मास्टर्स एंड जॉनसन टेक्निक, अर्थात साइकोथेरेपी अलग अलग प्रकार की। मास्टर जॉनसन टेक्निक में स्टॉप्स की स्टार्ट टेक्निक, कीगल्स एक्सरसाइज सिखाते हैं, दवाइयाँ देते हैं, बिहेवियर थेरेपी करते हैं, तो सब ट्रीटमेंट करते तो फायदा हो जाता है। तो थैंक यू वेरी मच, आपको अच्छा लगा जो लोगों को वीडियो शेयर करो, थैंक यू। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है, वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है लिंक दी हुई है ऐप की, और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।